तो ऐसे तीन गांठ वाली मोहरी बनानी सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक नए तरीके से जो भोरकली वाली मोहरी है वो बना के दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। वीडियो को पूरा वॉच करना कि आपको समझ लगे कैसी कैसी मोहरी जो है आपने बनानी है। और वीडियो मैं चालू करता हूँ। ये देख सकते हो मैंने भोरकली डाली है, 5 मीटर रस्सा है और इसमें जो है फर्स्ट हम जो पहला स्टेप है हम इसमें गांठ लगाएंगे दोनों सिरे बराबर करके 5 मीटर के रस्से में ऐसे कर लेनी है आपने। और बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छी मोहरी बनेगी ये, मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर क्या करना है आपने ये साइज ले लेना है, इतना ये साइज लिया और इसमें से रस्सा निकालना है आपने इतना, ये देख सकते हो इतना रस्सा निकाल लेना है। और ये इतना रस्सा निकाला, छोटा ही रखना है आपने, ये ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ये देख सकते हो इतना रखना है, ये बराबर रस्सा ऐसे रख लिया। और जो अगला सिरा होगा मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आपने अंगूठे के ऊपर से रस्सा लेके आया और उंगली के बीच में दबा लिया ऐसे करके, और फिर ये ऐसे करके, और ये आपने इसको गांठ लगा लेनी है अच्छे तरीके से। जो आपकी गांठ है वो अच्छी तरीके से लगनी चाहिए, ये गलत नहीं होनी चाहिए जो पहले गांठ है। देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूरी बनेगी, बहुत ही बढ़िया मूरी बनेगी। और जो दूसरी गांठ लगानी है वो कैसे लगानी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और दोस्तों ये पहले जो गांठ है हमारी लग चुकी है, ऐसी गांठ लगानी है आपने और इतना रस्सा ले लिया। और अब इसको उल्टा कर लेना गांठ को, लेफ्ट साइड के गोड्डे पर राइट साइड के गोड्डे पर रखना है। अब पहले हमने लेफ्ट साइड के हाथ में बनाया था, अब हम राइट साइड के हाथ में बनाएंगे। और यह इतना साइज निकाल के उल्टी गांठ करके इसको आगे की तरफ और इसको राइट साइड की तरफ, और फिर इसको इतना साइज ले लेना आपने, इतना इतना ले लेना है। फिर क्या करना है आपने ये देख सकते हो आपने, अब इसमें से ऐसे आगे की तरफ रस्सा निकाल लेना है। अब इस रस्से को थोड़ा सा आपने ज़्यादा बड़ा रखना है उस वाले रस्से से, ये देख सकते हो, ये बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। ये देख सकते हो हमने थोड़ा सा उससे बड़ा रख लिया और ऐसे रख लिया, भोरकली हमारी इधर की तरफ रहेगी। ये बड़ा वाला रस्सा इधर आ गया और ये अंगूठे के ऊपर से दबाया और ये इस उंगली के बीच में दबाया और इसे ऐसे दबाया, और इसको हमने फिर क्या करना है इसमें से निकाल लेना है। निकाला और ये निकाल के हमने ऐसे करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गांठ लगानी है इसमें, जो आपकी जो गांठ है वो गलत ना लगे। जो गांठ का ही मेन खेल होता है इसमें, जो गांठ गलत लग जाएगी तो फिर आपकी मूरी नहीं अच्छी तरह से बनेगी। और ये देख सकते हो जो मूरी है ऐसे बन जाएगी आपकी, ये देख सकते हो ऐसे मूरी बन जाएगी। अब जो दूसरी गांठ है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, तीसरी वाली गांठ। और देख सकते हो ऐसे करके आपने क्या करना है, इसको ऐसे दबाना है, छोटे वाले को नीचे बड़े वाले को ऊपर, और इसको ऐसे। दोस्तों पहले तो इसमें क्या करना है आपने, थोड़ा सा जो साइज है इसको बढ़ा लेना है, थोड़ा सा साइज हमारा जो छोटा है अभी, इसमें हम गांठ लगाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। ये क्या करना है आपने ये देखना है, ये रस्सा यहाँ से आएगा हमारा, ये रस्सा इधर से, ये वाला रस्सा इधर से, और इस रस्से को हम यहाँ से देख सकते हो यहाँ से खींचेगा हमारा रस्सा, एक रस्सा खींचना आपने, ये हमने यहाँ से खींचा और ये रस्सा हमारा इधर आ गया। और इसको बाद में हम फिर जब बड़ा भी रह जाएगा हम तो एडजस्टमेंट कर लेंगे इसकी अच्छे तरीके से। और इसको देख सकते हो ऐसे करके आपने, ऐसे करके आपने इसको बड़ा कर लेना है, ये देख सकते हो बड़ा हो गया। अब क्या करना है आपने, ये जो छोटे वाला नीचे बड़े वाले को ऊपर, और ऐसे करके इसको ऐसे करके लेके आना, देख सकते हो नीचे से ये नीचे वाला रहेगा ये ऊपर रहेगा, और फिर नीचे से निकाल के लेके आना है। और फिर क्या करना है आपने, इस जो रस्सा है इसके अंदर से डाल देना है, वो बहुत ही तरीके से बनेगी, बहुत ही अच्छी मूवरी बनेगी आपकी गाय भैंस के लिए, बहुत ही बढ़िया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जो आपके दोस्त हैं वो भी सीख पाएँ अच्छी मूवी बनानी। और ये देख सकते हो जो गाय भैंस की मोहरी है बनके बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं इसको सेट कर लेता हूँ, जो गांठे हैं ये गांठे का मेन खेल होता है, इसको इससे अच्छे तरीके से रखना है आपने, ये देख सकते हो ऐसी लग गई है। और ये जो साइज है दोस्तों आपने साइज थोड़ा सा बड़ा रखना है, ये देख सकते हो ये जो मुंह है मुंह में से निकल जाता है इसलिए मैंने छोटा रखा है, आप अपने हिसाब से इसको
इसको थोड़ा खोल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे खोलना है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने ऐसे ढीला रखना है और इधर से साइज निकालना है दोस्तों, इसमें से इधर से नहीं निकालना है, ये आगे पीछे रस्से हो जाएंगे। फिर क्या करना है, आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लेना है, यहाँ से ढीला करके लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके ढीला करके इधर से साइज बढ़ा देना है। ये देख सकते हो जो दोनों गांठें हैं वो लग के तैयार हो चुकी है, जो भोरकली वाली मोहरी है वो बन के तैयार हो चुकी है, और इसमें जो एक्स्ट्रा रस्सा होगा वो डलेगा। और ऐसे तीन गांठ वाली मोहरी बना सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।